नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी स्टेनोग्राफी में। आज के इस वीडियो में हम कुछ और ऐसे वाक्यों का अभ्यास करेंगे जिनमें अभी तक हमारे द्वारा सीखे हुए शब्द चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इसके पहले के वीडियोस में भी हमने शब्द चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है? इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है? इस वाक्य में सभी शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, स्वराज्य का प्राप्त करना कुछ हंसी खेल नहीं है। स्वराज्य का प्राप्त करना कुछ हंसी खेल नहीं है। इस वाक्य में खेल शब्द के लिए काको तिरछे देश से काट कर खा बनाया गया है, जिससे हो गया खेल। अगला वाक्य, सर्वत्र ही स्वतंत्रता की धूम मच रही है। सर्वत्र ही स्वतंत्रता की धूम मच रही है। इस वाक्य में हमने धूम शब्द के लिए दा को तिरछे डैश से काटकर धा बनाया है, तो जिससे हो गया धूम। इसी प्रकार मच शब्द के लिए ना को तिरछे डैश से काटकर मा बनाया है, जिससे हो गया मच। और बाकी सभी शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, मेरा सारा हिंदुस्तान घूमा हुआ है। मेरा सारा हिंदुस्तान घूमा हुआ है। इस वाक्य में हमने घूमा शब्द के लिए गा को तिरछे डैश से काटकर घा बनाया है, जिससे हो गया घूमा। और बाकी जो है शब्द चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, हमेशा मैं घूमा ही तो करता हूँ और करता ही क्या हूँ। हमेशा मैं घूमा ही तो करता हूँ और करता ही क्या हूँ। इस वाक्य में भी घूमा शब्द के लिए गा व्यंजन को तिरछे डैश से काटकर घा बनाया गया है, बाकी शब्द चिन्हों का प्रयोग इस वाक्य में किया गया है। अगला वाक्य, मैं सवेरे उठकर सिर्फ दूध पीता हूँ। मैं सवेरे उठकर सिर्फ दूध पीता हूँ। इस वाक्य में भी उठकर शब्द के लिए टा को तिरछा काटकर ठा बनाया गया है और दूध शब्द में डा को तिरछा डैश से काटकर धा बनाया गया है, जिससे हो गया दूध। अगला वाक्य, इससे बदन पर रौनक आती है और
खूबसूरती बढ़ती है। इससे पदन पर रौनक आती है और खूबसूरती बढ़ती है। इस वाक्य में शब्द चिन्ह खूबसूरत का प्रयोग किया गया है, जिसे वाक्य अनुसार खूबसूरती पढ़ लिया जाता है। अगला एवं अंतिम वाक्य, नगर में जल, बिजली, जेल आदि के प्रबंध पर बहस रही। नगर में जल, बिजली, जेल आदि के प्रबंध पर बहस रही। इस वाक्य में हमने प्रबंध शब्द में द शब्द को काटकर ध बनाया है और कॉमा की जगह पर संकेत लिपि में अलग से कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि वाक्य अनुसार लगा लिए जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में लिंग और वचन का टॉपिक देखेंगे, और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टेनोग्राफी की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको मिलती रहें।